नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि लालटेन वाली रेल आखिर कितना खेल। पैसे के खेल को उजागर करने के लिए ही आज छापेमारी की कार्रवाई बिहार में कई जगह हुई और इसको लेकर वार पलटवार अभी भी जारी है और ये भी कहना चाहिए कि शायद जारी रहेगा। इसीलिए शुरुआत महाभारत की बड़ी खबर से कर रही हूँ। खबर ये कि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे हमला बोला है। नीतीश कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला आया है, हमें तोड़ने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें तोड़ने की कोशिश की गई है, ये हमला हम पर किया गया है। यानी पहले पार्टी तोड़ने की कोशिश और अब इन छापों के जरिए फिर से सरकार तोड़ने की कोशिश। नीतीश कुमार का ये बड़ा हमला आया है, जहां एक तरफ सीबीआई के छापे पड़ रहे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार सीधे सीधे सीबीआई, सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। और जो छापेमारी की कार्रवाई हुई है, उस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अब उसको लेकर आपको पूरी जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप क्या है, जमीन दो नौकरी लो। लालू यादव के रेल मंत्री रहते ये मामला हुआ था और उस समय जमीन के बदले रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी, यानी कि आप नौकरी लीजिए और फिर जमीन दीजिए। लाभार्थियों से नौकरी के बदले जमीन ले ली गई और लालू परिवार को ये जमीन मिली। अब इसी को लेकर आज जो कार्रवाई हो रही है, रिश्वत के तौर पर कौड़ियों के भाव ये जमीन ले ली गई। और कैसे, इसी को लेकर जब कार्रवाई हो रही है, सीबीआई को नौकरी के बदले जमीन के 7 मामले मिले हैं। सीबीआई का कहना है कि ये 7 ऐसे मामले हैं जिसमें नौकरी दी गई और उन भर्तियों के बदले कैसे जमीन दी गई जो सीधे सीधे लालू परिवार को मिली। सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को एफआईआर दर्ज की थी और आवेदन करने के 3 दिन के भीतर नौकरी दी गई, ये सीबीआई का कहना है। यानी कि आवेदन और फिर नौकरी मिल गई, बाद में नौकरी को नियमित भी कर दिया गया। यानी इस तरह का घोटाला लालू राज में चल रहा था और इसके बदले में लाभार्थियों ने अपनी अपनी जमीनें दी, यानी कि नौकरी के लिए जमीन, जमीन दो नौकरी लो का यही मामला है। इसी को लेकर आज दिल्ली से बिहार तक जंग छिड़ी हुई थी, क्योंकि छापेमारी दिल्ली टू बिहार वाया झारखंड हुई। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर देश के अलग अलग हिस्सों में महाभारत छिड़ गया है। बिहार, झारखंड और गुरुग्राम में सीबीआई और ईडी ने भ्रष्टाचार के तार खंगाले, तो दिल्ली का दंगल दूसरे ही पायदान पर पहुंच गया। उधर महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार ने विधायकों में दो दो हाथ मचा दिए। बिहार के पटना और मधुबनी में आरजेडी के 2 सांसद, 1 एमएलसी और 1 पूर्व एमएलसी पर सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में छापेमारी की। इसके साथ ही सीबीआई ने गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन मॉल में छापामारी की, जिसका लिंक बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बताया जा रहा है। झारखंड में ईडी ने खनन घोटाले के तार खंगाले, तो सीएम सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 बरामद हुई। जबकि दिल्ली में शराब घोटाले की जंग विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों तक पहुंच गई, तो महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त पर ऐसी नारेबाजी हुई कि शिंदे और उद्धव गुट के विधायक विधानसभा में ही भिड़ गए। बिहार में शक्ति परीक्षण से पहले छापेमारी पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पलटवार किया। हम लोग डरने वाला में से नहीं है, आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी। देश के तो उलो लूटा है, देश के उलो लूट लिया है। सीबीआई की छापेमारी पटना से मधुबनी तक हुई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई एक्शन में थी। सबसे पहले नंबर आरजेडी के एमएलसी खजांची और लालू के करीबी सुनील सिंह का आए, जिसके बाद बालकनी में खड़े सुनील सिंह आग बबूला हो गए। रेड करें, दो जगह रेड करेंगे तो डर के मारे आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, कोई बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए।
भर में सुनील सिंह के अलावा राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय का नंबर भी आ गया। कुल मिलाकर सीबीआई ने 24 ठिकानों पर छापा मारा। इस पर भड़की एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी ने सीबीआई पर मानहानि का दावा ठोकने की धमकी दे डाली। लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले लाभार्थियों से रिश्वत में जमीन लेने के मामले में काफी पहले से जांच चल रही है। करीब 7 मामले सीबीआई के हाथ लग चुके हैं, लेकिन आज बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा से पलटवार किया। एक कंपनी का नाम लिया जा रहा था, जो कंपनी साफ तौर पे हमने उसका नाम लिया है अर्बन क्यूब्स मॉल है, और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है। हमने पता करवाया ये कि भाई ना मेरा लेना देना, ये कहां से कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे। बिहार में सीबीआई तो झारखंड में खनन घोटाले में ईडी की अलग अलग टीमों ने व्यवसायी और कई राजनेताओं के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापा मार। रेड में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ अलमारी से AK-47 बरामद हुई, जिसके बाद बीजेपी ने NIA जांच की मांग कर डाली। इधर दिल्ली में आपने विधायकों के खरीदने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने घोटाला कर विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वह प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है। और इनसे ये भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। किस प्रकार की बातें कही जा रही है? भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार का रत्न मिलना चाहिए और गोल्ड मेडल मिलना चाहिए घोटालों के लिए और घोटाले करने के बाद विक्टिमहुड कार्ड खेलते हुए झूठ बोलने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल की शराब नीति, जिसमें हुआ है कट्टर करप्शन, और उसकी खराब नीति की एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। हर समय एक नया झूठ फैलाकर मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं तो पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि लूट का माल लौटाना पड़ेगा, और अब लग रहा है कि लाल किले का प्रण भ्रष्टाचार के खिलाफ रण में बदल चुका है। भ्रष्टाचार पर छापेमारी को लेकर विपक्ष केंद्र पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जांच से खलबली क्यों? शराब, खनन, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सच सामने आने से किसे दिक्कत है? भ्रष्टाचार पर चौतरफा प्रहार से क्यों मचा है हाहाकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव ने मॉल कनेक्शन पर क्या बोला है। अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव अपने पूरे गुस्से में नजर आए, और मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने मॉल कनेक्शन पर अपनी बात रखी और सीधे सीधे उसे नकारा, कहा मॉल लिंक के आरोपों पर मेरा मॉल भी बनवा दिया और छापेमारी भी करवा दी। सीबीआई बताए मॉल किसका है, ये तेजस्वी यादव का सीधा हमला आया है। वो कह रहे हैं कि अब तो सीबीआई बताए कि मॉल किसका है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, आपको यह भी बताया कि इस मॉल को लेकर क्या कहा जा रहा था, क्योंकि तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी पर आज छापेमारी हुई, यह कहा गया। सीबीआई बताए मॉल किसका है, पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको मैं बताऊं कि कैसे गुरुग्राम में मॉल पर सीबीआई का छापा पड़ा, और इसके बाद कैसे गुरुग्राम में जब ये छापा पड़ा तेजस्वी से जोड़ा जा रहा है इस मॉल का लिंक, और इस मॉल पर ही तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अभी निर्माणाधीन है मॉल कह रहे हैं, ये भी आपको बता दें, ये मॉल यानी अभी बन रहा है, और सीबीआई यहां पर कागजात खंगालने के लिए पहुंची थी।
इन्वेस्टमेंट के पैसे का लिंक खंगालने के लिए पहुंची थी और ये कहा जा रहा है कि इसका लिंक सीधा तेजस्वी यादव से बनता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर भी ये पड़ताल की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अबू दुजाना की कंपनी ये मॉल बना रही है और अबू दुजाना कौन है, आरजेडी फाइनेंसर बताए जा रहे हैं अब पूर्व एमएलए दुजाना, यानी वो कहा जा रहा है कि ये है इस मॉल के फाइनेंसर और सीधा सीधा लिंक आरजेडी और तेजस्वी से जोड़ा जा रहा है। तेजस्वी ने मॉल से कनेक्शन को पूरी तरह से नकार दिया है। अब मैं जरा अपने मेहमानों के पास आ रही हूं, ये खबर भी मैंने आपको बताई, तेजस्वी का रिएक्शन भी बताया। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आरएलजेपी के प्रवक्ता संजय सराफ जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अमनीजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुमन कुमार मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और अकील खान साहब है राजनीतिक विश्लेषक है और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत में सीधे सरदार आरपी सिंह आपसे कर लेती हूं, ना मेरा कोई लेना देना है, आपने छापे भी पड़वा दिए, मॉल भी मेरे नाम करवा दिया, कह रहे तेजस्वी यादव। चलिए जब सीबीआई अपनी चार्जशीट पेश करेगी उसमें उत्तर देने वो कि मॉल किसके नाम है, किसके पैसे लूट हुए और जो भर्ती घोटाले के दौरान जो जमीनों के घोटाले किए उसके जमीनें बेचकर कहां वो पैसा गया, किसके माध्यम से गया और अबू दुजान के साथ क्या संबंध है, ये सब अभी और हफ्ते भर में सीबीआई अपनी चार्जशीट में पेश कर देगी। सारे के सारे कनेक्शन, सारे सारे लिंक निकाल कर दे देगी कि कहां से कहां पैसा घूमा, कैसे मॉल तक पैसा पहुंचा और अबू दुजान का क्या संबंध है। ये ये कह दें हमारा अबू दुजान से संबंध नहीं है तो अलग बात है, बाकी अबू दुजान का संबंध मॉल से ये भी आपको थोड़े दिन में स्पष्ट हो जाएगा। कनेक्शन क्या है भाई अभिषेक झा जी, कनेक्शन क्या है ये तो आप ही बता पाएंगे क्योंकि वो सीधे कनेक्शन की बात करें। सुमन कुमार मलिक स्क्रीन पर आ गए, सुमन जी जरा बताइए आपकी पार्टी के नेता इस कनेक्शन से क्यों इतने तिल मिलाए हुए हैं, वो अपना काम छापेमारी जारी है। आरपी सिंह जी बोल रहे हैं अबू दुजाना कौन है जरा बता दीजिए, इस मॉल के फाइनेंसर कौन है जरा बता दीजिए, इस लिंक को खंगालने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए आपको। सुमन जी आवाज़ हमारे पार्टी के हमारे नेता जो हैं हमारे देश, हाँ जी मैं सबसे पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता किसी भी सरकार के किसी भी कदम पर न तिल मिलाए हैं न घबराए हैं, क्योंकि दो राजनीति देश में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देश देख रही है यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन किसी भी सच्चाई के सामने करने से परहेज नहीं कर रही है, क्योंकि हम बड़ी ईमानदारी से राजनीति करते हैं, हम किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हमारी जो राजनीति है उन लोगों के लिए है, हमारे महागठबंधन की राजनीति उन लोगों के लिए है जो पिछले वर्षों से विकास की मुख्य धारा में या तो आ नहीं पाए हैं या जितना आना चाहिए था। कह रहे हैं ऐसे ही आपने विकास किया है, नौकरियां दे और जमीन उनके ले ली, ये विकास किया है, वो कह रहे नौकरियों के नाम पर दे रहे हैं। नहीं, ये तो सरासर आरोप है। सुनिए एक सप्ताह पहले तक हमारे नेता सर्वमान्य नेता थे, हमारा जो दल है हमारा राजनीतिक दल है दूध का झोला हुआ था, और जब से हमने बीजेपी का साथ छोड़ा है तब से हम पर आरोप लग रहा है। ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हम आपके साथ हैं तो राम राज्य है और आपके साथ नहीं है तो रावण राज्य है। देखिए भाजपा और केंद्र की सरकार अपने शर्त पर देश में राजनीति करना चाहती है, हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे नेता और हमारा गठबंधन सिर्फ विकास की बात करता, वो जात धर्म की बात नहीं करता। हम मीसा भारती के खिलाफ आरोप नहीं है क्या, आगे तेजस्वी यादव बोलेंगे, लालू यादव जी की पार्टी के नेता ये बोलेंगे कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं तो कौन कोई इस पर विश्वास करेगा क्या? सुमन जी की आदत है। नहीं सुमन जी आप ये बोलिए, ये आपका पूरा हक है, के बदले की सियासत है, मैं आरपी सिंह जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन आप ये बोलेंगे कि लालू यादव की पार्टी जाति की सियासत नहीं करती तो सर इस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा जिस पार्टी ने। नहीं ये आपको लग रहा है कोई विश्वास करेगा सर, कैसी बात कर रहे हैं? राजनीति नहीं करते हैं, आरजेडी ने अपनी पूरी सियासत करते हैं, अपनी पूरी सियासत किस ले चलने की मुस्लिम यादव वोट बैंक के सारे किए सर, वो तो सब जानते हैं, समाज के साथ हैं। संजय सर आप जी को लीजिए, नहीं देश की पूरी जनता हमारा वोट है,
हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति होती है। भाई संजय सराफ जी वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव का कहना है कि केस तो पहले भी हुए हैं, उसकी आपने कोई जानकारी नहीं दी, अब और छापे पड़वा दिए। और आज वहां संजय सिंह जी की बीवी जोर जोर से कह रही थी कुछ नहीं निकला तो मानहानि का केस करूंगी, मानहानि का केस करूंगी। संजय जी देखिए, मानहानि का केस वो बाद में करे, पहले अपने लोगों को बचाए जिन्होंने ये सब कांड किए हैं। ये सीधे लैंड फॉर जॉब है। मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है सुमन जी मेरे साथ में, मेरे संगठन में काम कर चुके हैं मेरे साथ। आज अगर ये नीतीश जी की बात करते तो कुछ अच्छा लगता। इस चीज से बड़ी क्या दुखद घटना है कि ऐसे यूथ और नौजवान तेजस्वी के लिए बात कर रहे हैं, उस तेजस्वी के लिए जिसको ऑलरेडी नीतीश जी ने एफआईआर किया है और उस एफआईआर के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है। ये एफआईआर किसी सीबीआई ने पहले नहीं किया है, ना बीजेपी ने किया, ये किया है नीतीश जी ने। जब नीतीश जी के साथ ये गवर्नमेंट में थे तब एफआईआर किया, उस एफआईआर को कार्रवाई करते करते आज इसकी ग्राउंड जीरो पर सुनवाई हो रही है। तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर ये साफ सुथरे हैं सुमन भाई, अगर आप साफ सुथरे हो तो आपको तो यहाँ पर कार्रवाई की कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहिए। इस पर चिल्लाने की क्या बात है? ये कार्रवाई नहीं है, ये किसी तरह की कार्रवाई नहीं है। ये जो है बदले की भावना से किया जा रहा है, ये राजनीति है केंद्र सरकार के। राम कभी भी पलटी मारता है कि हमारे आपको साथ पता है, अभी श्रावण का ऑरेंज दिनों आने वाला है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि देश की जनता हमारे साथ है और हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और हम विकास करेंगे। पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है और हम जनता के साथ खड़े हैं। हमारे जनता, ठीक है, जनता आपके साथ खड़ी है, आप तो जनता के साथ खड़े हुए हैं, आप तो जनता के साथ खड़े हैं अभिषेक जी, लेकिन ये पता लगेगा कि जनता आपके साथ खड़ी है कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी आप उन नेताओं के साथ खड़े हैं जिनके राजनीति नहीं, ठीक है। सुमन जी मैं एक बार अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। जो नेताओं पर अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है अभिषेक जी, हमने झारखंड में देखा कैसे वहां छापेमारी की कार्रवाई में AK-47 निकल आई। ये हो क्या रहा है? मुझे पता है कि ये जो कार्रवाई है, फिर ऐसे में मुंह छिपाए फिरते हैं नेता। अब ये कार्रवाई जो हो रही है, उसे कार्रवाई को अपना काम करने दीजिए। कुछ नहीं निकलेगा तो सवाल तो आप ही उठाएंगे ना। अभिषेक जी थोड़ी होता है, लेकिन एक जो परंपरा पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सिर्फ विपक्ष के दलों के नेताओं पर के घर पर रेड करती है, इस बात को तो देश की जनता समझ रही है। आप अगर सर्वे करा तो आप इस बात की समझ पाएंगे कि देश के लोग, प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। आप देख लीजिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं घटते हुए रही है। और तो और ये समझना है कि भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक जी आपका वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है, आपका फ्रेम ठीक से नहीं आ रहा है। मैं वापस आऊंगी आपके पास, मैं एक बार डॉक्टर अजीज खान के पास जा रही हूँ। और डॉक्टर अजीज खान और अवनीजेश जी, ये मुझे बताइए, डॉक्टर अजीज खान, कार्रवाई हो रही है, मुझे पता है आप लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई देखिए बार बार ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, ये विपक्ष पर ही क्यों होती है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर लूटा है तो लौटाना होगा, और जिसने लूटा है वो लौटाए, इसमें तो कोई खराबी नहीं है और इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। मुस्कुरा रहे हैं अजीज खान साहब। देखिए मैडम, ऐसा है कि वो बड़ा फेमस शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ये बहुत फेमस है, मुझे लग रहा है करीब करीब आपने भी इसको कई बार सुना होगा। देखिये हालात क्या है, ये बड़ा बड़ा गंभीर चर्चा आज आपने किया है और बहुत गंभीर मसला है। देखिए बिल्कुल ईडी, सीबीआई, आईटी बिल्कुल रेड पड़ना चाहिए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने लूटा है, उसे लौटाना भी चाहिए। हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं, लेकिन इस बात को आप समझिए। और अग्निजेश जी भी बैठे हैं, क्या ये सारा कारनामा सिर्फ विपक्ष कर रहा है? क्या सत्ता में बैठे लोग क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, ये साजिश हो रही है। आप इस बात को समझिए कि जो देश का लोकतंत्र है इसको खत्म करने की साजिश है। आप बताएं, एक तरफ फ्लोर टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है, सब अब ये लोकतंत्र बचा है इसमें? आप देखिए इस बात को, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, अभी वहां सरकार गिरा दी गई, एक चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई। उसी तर्ज में देखिए झारखंड,
में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश। मैं कह रहा हूं कि आज जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं साहब, ये इमरजेंसी जैसे हालात है भाई। केंद्र में बैठ करके क्या विपक्ष के जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको आप समाप्त कर देंगे तो क्या लोकतंतर जिंदा रहेगा? क्या लोकतंतर का हनन नहीं हो? लोकतंतर नहीं, नहीं, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान, आप आरोप लगा रहे हैं कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों को आप खत्म कर देंगे? सर, ये खत्म करने की प्रक्रिया तो मुझे नहीं लगता, आप ईडी और सीबीआई का आरोप भले ही बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन ये खत्म करने की प्रक्रिया तो जनता कर रही है सर। और अगर अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं बचा तो इसके लिए भी अब बीजेपी जिम्मेदार है क्या सर? चुनाव जीत कर आ रही है, मैं पूछ रही हूँ आपसे। संदेह आपका बहुत शांत, मुझे 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। बहुत शानदार सवाल, मैं जानना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र में क्या रहा, किसकी सरकार थी और किसकी सरकार हो गई? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और किसकी सरकार हो गई? आज चुनी हुई सरकार पर आप निशाना साधते हैं सर। बिहार में किसकी सरकार थी और किसकी सरकार हो गई? लोकतंत्र पर खतरा नहीं है सर? बिहार में किसकी सरकार थी और किसकी हो गई? हाँ सर, ये तो राजनीति है सर, बिहार का बात नहीं करते आप। जब बिहार पर सवाल उठता है तो आप कहते हैं देखिए जो जेडीयू है वो गठबंधन आपको सही लगने लगता है। अजीज खान साहब खुद पूछिए किसकी सरकार थी, किसकी हो गई? फिर एक मिनट, अवनी जय जी बताइए, मैं आ रही हूँ, अकील खान साहब आ रही हूँ, अवनी जय जी जरा बताइए, आप देश की बड़ी एंकर है, सुन ले। अच्छा, कंप्लीट करिए 10 सेकंड मुझे दे, कंप्लीट करिए सर 10 सेकंड। 2015 में नीतीश जी ने किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और सरकार किसने बनाया था? देखिए, बीजेपी करे तो रासलीला और दूसरे लोग करे तो करेक्टर ढीला। सब ये कौन सा न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमला है, इस बात को समझिए आप। ठीक है, क्यों है उनका कैरेक्टर ढीला क्यों है अपनी जेठ जी? हाँ, तो ये वो कह रहे हैं हमारे सारे कैरेक्टर ढीले वाले किरदार आपको हम में ही नजर आते हैं। अपनी जेठ जी, सारे ढीले कैरेक्टर वाले किरदार आपको विपक्ष में ही नजर आते हैं, सब पर छापे मारी। सुचरिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण, और वो जो सुबह सुबह रेडी लगा करके निकलता है, हम सब लोगों को जब 58 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं ना सीबीआई के छापे में, बड़ी खुशी होती है। किसी के 52 करोड़ मिल रहा है, कहीं 58 करोड़ मिल रहा है, कहीं 6 किलो 11 लाख करोड़ ले आएंगे तो सोना, कहीं इतना हो जाएगा। और तो और, अब तो आज के AK-47 में मिल गया। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि सीबीआई ने छापा मारा, कैश मिला, सरकारी खजाने में गया, सरकार काम करेगी। अब बात यह है कि ये सीबीआई राजनीतिक कारण से कर रही है, लेकिन कैश तो मिल रहा है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। उन्होंने कहा देखो जी वो भी भ्रष्टाचारी है, उस पर छापा क्यों नहीं पड़ा? इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईमानदार हैं जी, क्योंकि ये तो मालूम चल गया इनको कि जनता मान चुकी है कि ये तो है ही भ्रष्टाचारी। अब ये कहते हैं देखो हमने भ्रष्टाचार किया तो उसने भी तो किया, उस पर छापा क्यों नहीं डाल रहे? ये कहां का तर्क? ये लोकतंत्र की है? ये लोकतंत्र होता है? अजीज खान साहब, बड़ी साफ सी बात है सुचरिता, आप एक बात जान लीजिए, इस देश की जनता को पहली बार ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार पर, और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, भ्रष्टाचार पर, इन नोटों पर, सोने चांदी पर, बेनामी संपत्ति पर, हो सकता है किसी के नाम की ना भी हो, अपने नाम की ना भी हो, किसी और के नाम से खरीदी जाती हैं संपत्तियां, वो भी है, तो ये सब अगर सरकारी खजाने में जा रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं इस पटले में पढ़ना नहीं चाहता कि कौन सी पार्टी किसकी पार्टी पर छापा डाल रही है। सरकार को मिल रहा पैसा, सरकार को मिल रहा पैसा, इससे मुझे तो बहुत खुशी है। भाई सरकार को मिल रहा है पैसा, अकील खान साहब, वहाँ पैसा मिल रहा है, जनता को खुशी हो रही है कि भाई ये जो पैसा, ये काला धन कहीं से मिल रहा है, ये किस कैसे लूटा है जरा बताओ। लेकिन आप तो दूसरे ही धन की बात कर रहे हैं, 20-20 करोड़ वाले धन की। बिल्कुल सुचरिता, बहुत अच्छा है, जनता का जनता के पास पैसा आ रहा है, 58 करोड़ जितना भी आए। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, 15-15 लाख जो जनता को देना था, मोदी जी ने वादा किया था, वो 15-15 लाख जो बैठ कुल मिलाकर 300-400 लाख करोड़ होता है, वो कहाँ है? वो मिल जाए तो पूरा देश का, पूरी आर्थिक व्यवस्था, लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति सब बदल जाएगी। और उसके बाद जो है 11 लाख करोड़ आपने जो दे दिए हैं,
जो आपके जो लोग हैं, आपके जो बहुत बड़े प्यारे प्यारे दोस्त थे उनको दे दिए, अरे वो ही ले आइए कम से कम, वो तो उससे तो बहुत ज्यादा हमारे पूरे देश की जनता जो गरीबी और भुखमरी से परेशान है वो उसका पूरा पूरा काम खत्म हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी। और उसके बाद आपने 5 लाख करोड़ का जो टैक्स रिबेट दिया है, आपने उल्टा उठाकर जनता को दाल चावल रोटी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है, मतलब जो पैसा जो थोड़ा बहुत मिलता था एक टाइम का खाना उसको भी आपने बंद किया है। आप ये बताइए मेरे प्रधानमंत्री जी, आपने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो लाल किले से जो स्वतंत्रता दिवस का संदेश भेजा है लोगों को, भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, नहीं होने देंगे, तो आप ये बताइए कि आपने 8 साल में किया क्या है भ्रष्टाचार खत्म करने को? भ्रष्टाचार की सफाई तो आपने 8 साल में पूरे देश भ्रष्टाचार में बना दिया है, और ये भारतीय भ्रष्टाचार की सफाई नहीं है क्या जनता पार्टी? भ्रष्टीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की सफाई नहीं है, ये भ्रष्टाचार की सफाई नहीं है जो दिल्ली टू बिहार वाया झारखंड हो रही है, ये भ्रष्टाचार की सफाई नहीं लग रही आपको क्या? ये आप ये बताइए मैडम, ये 20-20 करोड़ का जो ऑफर दे रहे हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आप ये बताइए ये 20-20 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? अच्छा दूसरी बात जो शिंदे के लिए आप बोल रही है ना, कंपेयर करिए बिहार की, बिहार के अंदर सत्ता, आपने कह दिया 20-20 करोड़ रुपए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कर्नाटक, आप उसको जैसे वो कहते हैं कि आप जैसे महाभ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में, सीबीआई में आपकारी नीति के नाम पर महाभ्रष्टाचार हुआ है, नहीं अखिल खान साहब, अखिल खान साहब आपने काफी देर से बोला सर, आपने काफी देर से बोला, मैं एक बार आरपी सिंह जी से पूछ लेता हूं, आरपी सिंह जी बिहार को कंपेयर मत कीजिए, मैं आरपी सिंह जी शिंदे अलग है, शिंदे और सीपीआई बिहार को कंपेयर क्यों ना करो, खिला करके उन्होंने चेंज किए गवर्नमेंट महाराष्ट्र में और गुजरात महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और एमपी में, और आपको कैसे पता अखिल खान साहब बिहार में भी बदलना चाह रहे हैं? क्या बात हुई अखिल खान साहब, आपको सारी अंदर की डिटेल्स पता है, आपको पता है कि बिहार को महाराष्ट्र से कंपेयर मत करिए, वहां पैसा खिलाया गया, वहां पैसा खिलाया गया, और बिहार में तो मन मिल गए, दिल मिल गए, तेजस्वी यादव चाचा भतीजा के दिल मिल गए, बिल्कुल इतने दिन तक एक दूसरे को कोसे बिना नहीं रहते थे, आज दिल मिल गए उनके, एक सेकंड कोशिश की गई। आरपी सिंह जी को लीजिए और अभिषेक जी को लीजिए जरा, अगर उनका वीडियो फ्रेम आ गया फिर से। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि बहुत कर लिया आपने धोखा, और अब आप खोखा कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं खोखे, बोल रहे हैं आइए पार्टी में और तोड़ दीजिए आम आदमी। एक ईडी के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति ऐसी है जिसको सरकार ने जब्त किया है, वो पैसा कोई इन्हीं के पास से मिला, ये वो जतेंद्र जैन हो, वो बाकी लोग हो, मैं तो इसलिए दिल्ली पूछा, आप दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एक इनके मंत्री जेल में है, पिछले 3 महीने से कोशिश कर ली और खूब कोशिश कर ली, वो सरकार कोर्ट उनको बेल नहीं देती है। सिसोदिया साहब के ने कहा कि मेरे पास किसी ने अप्रोच किया, अरे मैं भी कह रहा हूँ किसी ने मेरे को अप्रोच किया, सौरभ भारद्वाज नाम लेकर कह रहा हूँ, उनके किसी साथी ने अप्रोच किया ये कहकर कि हमें उप मुख्यमंत्री बनना है, डिप्टी सीएम बनना है, अब जल्द से जल्द जरा उसको सिसोदिया को जेल में भेजिए, तो ये कहने की बात हमारे देश की न्याय व्यवस्था की विडंबना है कि एक इनोसेंट मिस्टर अखिल खान जी महेश मैं बताऊंगी किसके पास मैं जा रही हूं। अखिल खान जी रुकिए जरा, मैं अभिषेक जी के पास पहले जाऊंगी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक जी जो कुछ भी अब बिहार में हो रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां एक तरफ से आप लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई देखिए कार्रवाई हो रही है, और कि जिस दिन बहुमत साबित करना था उस दिन कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई के लिए कोई समय जरूरी नहीं है। अगर आज कार्रवाई हुई है और तेजस्वी यादव तो खुलकर कह रहे हैं इतना मॉल मेरा है, मेरे ऊपर इस मॉल को भी थोप दिया और इस पर कार्रवाई भी बता दी, कर लो कार्रवाई, तो डर तो है नहीं, तो डर किस बात का है फिर? नहीं, कार्रवाई किस तरह की हो रही है और क्या सुनियोजित है इसके पीछे, किस तरह की साजिश है, इसको भी जानना समझना जरूरी है। कोई भ्रष्टाचार करे और उस पर कार्रवाई ना हो, हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, कोई भ्रष्टाचार करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक परंपरा की शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी शांत रहिए बीजेपी के इशारे पर सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर पर रेड करती है, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तरबूज पिघले हुए हैं, लेकिन आप एक भी उदाहरण बता दीजिए कि
भारतीय जनता पार्टी या उनकी घटक दल जो उनके गठबंधन में रहते हैं उनके नेताओं को सम्मिलित हुई हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में है, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि बदले की कार्रवाई की है ही कोई मामला है। अच्छा आरपी सिंह जी आरपी सिंह जी एक जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में आपकी सरकार आज से गई, वहां छापेमारी शुरू हो गई। दिल्ली में आपने छापेमारी शुरू कर दी क्योंकि वहां आप चाह रहे हैं अपनी सरकार बनाना, आप तोड़ नहीं पा रहे। ये आरोप आप पर लग रहे हैं, उनके जवाब आपको देने होंगे। ये जेन्युइन आरोप है ना, ये जेन्युइन आरोप है। आरपी सिंह जी बोलिए, जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर हमने नहीं कार्रवाई करी, दिल्ली के अंदर मुख्य सचिव ने रेड फ्लैग रेस किया कि ये जो पूरी आबकारी नीति है इसमें दिक्कत है, इसमें संशय है, इसमें गड़बड़ घोटाला है, इसलिए इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने एलजी को फाइल भेजी, एलजी ने उसको सीबीआई के पास भेजा, हमने नहीं। मुख्य सीबीआई ने क्या किया सर बताइए, ये सीबीआई के एफआईआर क्या है? सिंह साहब एक सेकंड, बताइए एफआईआर में क्या है? प्लीज मेरे शो में एक एक करके बात करते हैं, मैं जिसका नाम लेती हूँ वो बोलता है। लेते नहीं लेते, वो भी पता नहीं किसने किया। रेड फ्लैग रेस किया चीफ सेक्रेटरी ने, तो 14 तारीख को आपने बैक डेट में जाकर क्यों अप्रूव लेने की कोशिश करी? ठीक है, अखिल खान जी जवाब देना चाह रहे हैं। अखिल खान जी को स्क्रीन पर, फिर मैं आ रही हूँ। 144.36 करोड़ रुपए छोड़ो, मैं बोलिए बोलिए। सुनिए सिंह साहब देखिए, जून के अंदर, जून महीने के अंदर अनिल बैजल साहब ने तीन तीन बार उसको अमेंड किया है, जो जो एक्ट जो है आबकारी एक्ट को तीन तीन बार अमेंड करके और फिर फाइनल। अरे सुन लीजिए आप, पहले अपने में आपने थोड़ा सा आपने जरा सेंस रखिएगा, आप सुनिए। तीन बार एलजी ने 36 करोड़ रुपया अपने दोस्तों को रेवड़ी को बांटी, 30 करोड़ रुपया वापस किया। आप पूछे प्रधानमंत्री मोदी जी से, दोस्तों को 11 लाख करोड़ की देहराड़ी बांटी है। अब सुन लीजिए मेरी बात, अब सुन लीजिए। तीन बार उन्होंने वापस किया एलजी ने और फिर अप्रूवल दिया एलजी ने। एलजी ने किया है, ये एलजी ने किया है इसका अप्रूवल आपका रिएक्ट का। एलजी को अंदर क्यों नहीं करते आप? एलजी की इंक्वायरी क्यों नहीं करते? एलजी के पास सीबीआई को भेजते हैं? इस काले अंग्रेज को देश की जनता देख रही है, ये काला अंग्रेज है और ये इसके इलेक्टेड नहीं है, उसको पीछे झारखंड में AK-47 मिलने का जो मामला है उसमें बीजेपी सांसद ने NIA जांच की मांग कर दी है। ईडी को छापे में दो AK-47 मिली है, यानी ईडी छापा मारने गई थी और देखिए ईडी को क्या मिला है, दो AK-47। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, और आतंकी और नक्सलियों से लिंक का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद ने सीधे सीधे कहा है कि NIA जांच हो, ये AK-47 कैसे पहुंची और इस पूरे मामले में आतंकी लिंक की भी छानबीन की जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान को लीजिए जरा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके ये आरोप लगाया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल के सहयोगी प्रेम प्रकाश के यहां सूत्रों के अनुसार ईडी ने AK-47 बरामद की और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। अब डॉक्टर अजीज खान, ईडी सीबीआई पर तो बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती है तब सब चुप हो जाते हैं। भाई ये AK-47 निकल रही है, हम तो सोच रहे थे कुछ और नोट देखने को मिलेंगे, फिर उसमें ईडी लिखा होगा नोटों के जरिए, यहां AK-47 निकल आई। अजीज खान जी का ऑडियो नहीं, AK-47 निकलता है तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि AK-47 कैसे निकल आया। खैर वो जांच का विषय है, जैसा कि आपने बताया कि ये भी NIA जांच करेगी, लेकिन जो एक अहम मसला है उस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात ये, आप देखिए कि बीजेपी का जो रवैया देखें, चाल चरित्र और चेहरा देखें, कि साहब नीतीश जी जो इनके साथ ही रहे, पहले उनका DNA बताते थे, बाद में उनके साथ में लिया इनको, और साथ में लेने के बाद उन्हीं का घर तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात, अभी इससे पहले क्या हुआ आपने देखा दिल्ली में, अभी देखिए खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू किया, पार्टियों को तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा, लगातार महाराष्ट्र में किन किन परिस्थितियों में कैसे खरीद फरोख्त किया, सब ये पैसा आता कहां से है। अभी मध्य प्रदेश में देखें आप,
देखिए जिस तरीके अरे तेजस्वी यादव ने कितने सोचा कि हम यहाँ पे ये भी उठा दीजिए नीतीश कुमार के साथ क्या सांझाट हुई है उठा दीजिए एक मिनट में आरपी सिंह जी एक एक करके बोलिए ना सर एक मिनट में बात रख लेंगे उसके बाद बोलिए सर अपने जय जी को लीजिए अपने जय जी और नीतीश कुमार जी पहले बात कीजिए आरपी सिंह जी मैं आ रही हूँ सर एक मिनट बात कम्प्लीट मैं बात नहीं करूंगा ठीक है बोलिए 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 अजीज खान जी क्या तरीका है सर नाराजगी नहीं है सर बात हो रही है एक तरफ आप खरीद फरोख कर रहे हैं देश को बर्बाद कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं दूसरी तरफ मैं तो पूछ रहा हूँ नीतीश कुमार कितने में बिके ये नहीं चलेगा गंभीरता से मेरी बात को सुने गंभीरता से कह रहे साहब इनकम टैक्स और आईटी और रेड और दुनिया भर में 1,00,000 करोड़ रुपए आपने हासिल किया एक तरफ 1,00,000 करोड़ रुपए हासिल करते हैं दूसरी तरफ गरीबों के लिए खाने पीने का जो सामान है उस पर आप टैक्स लगाते हैं अब मुझे अजीज खान जी एक बात बताइए ये चरित्र अजीज खान जी लोग बांट रहे अब आप एक बात बताइए हक देना ये खरीद फरोख्त हो रही है और विधायक खरीदे जा रहे हैं सर ये सब इनसाइड इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है आप लोगों के पास मैं आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं यहाँ बैठकर आपने आरोप लगा दिया और उसे सच्चाई मानकर परोस दिया कि खरीद फरोख्त चल रही है खरीद फरोख्त चल रही है ये आरोप आपने सच्चाई मानकर लगा दिया ना सर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अच्छा सब दिख रहा है तो फिर सर ये रेट्स में भी सब दिख रहा है फिर तो देने की आवश्यकता है फिर सर रेट्स में भी दिख रहा है हुआ नंगा नाच हुआ महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा तो दिख रहा था इत्र वाले मित्र के यहाँ स्थिति पैदा करने का प्रयास भाई अजीज जी आप कह रहे हैं सब कुछ दिख रहा है अरे इन्फॉर्मेशन तो आप ही लोग देते हैं ना नहीं नहीं मुझे बताइए ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है तो सबसे ज्यादा तो इत्र वाले मित्र के यहाँ भी दिख रहा था रेट्स में जब पैसा निकलता है धन निकलता है अवनीश जी अरे भाई तब उसके बारे में कोई उसके बारे में फिर कोई सफाई नहीं अवनीश जी स्क्रीन पे चलना बंद हो गया वरना चल रहा था इत्र के मित्र अरे सुनिए ना मेरी बात अच्छा अजीज जी आ रही हूँ अब एक मिनट अवनीश जी ठीक है एक बार जब इनके ऊपर आता है देखिए शुभेंद्र अधिकारी क्या रहा सुचरिता जी बड़ी साफ सी बात है कि भारत रत्न की इच्छा रखने वाले या उसके अधिकारी व्यक्ति को ये जरूर बताना चाहिए कि उसके पास किसका मैसेज आया अन्यथा यहाँ पर आरपी सिंह बैठे हुए हैं मैं कहूँगा इनकी पार्टी पर आरोप लगाया जिस पार्टी ने आरोप लगाया अभी अकील खान ने आरोप लगाया इनको कोर्ट में घसी दिए ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है ये राजनीतिक शुचिता का होना भी जरूरी है आप लगाइए कोर्ट में घसीटिए इनको साबित करने दीजिए जिसके पास जिसका फोन सीबीआई ले गई है उसके पास मैसेज कौन से फोन पे आया है ये तो पूछने का हक बनता है ना देश की जनता को आपने लगा दिया और दो दिन से उस पर कोई चर्चा नहीं हम बताएंगे नहीं भारत रत्न प्राप्त ने साफ साफ बोल दिया है करिएगा आप इंक्वायरी आपके पास सारा कुछ मिल जाएगा आप बताइए आप बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी ने चैलेंज किया है कि आपका एक्ट के ऊपर आप डिस्कशन कीजिए भेजिए आपका बीजेपी का कोई नेता बड़ा और उसके साथ में बैठकर डिस्कशन कीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने चैलेंज किया है आप क्यों नहीं बैठते आप झूठों के सरदार हो आप झूठे हो और झूठ फैलाते हो आप क्यों नहीं करते बताइए आप अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है वो स्वीकार करते हैं आप और आप 20-20 करोड़ रुपए 25 करोड़ आम आदमी पार्टी अखिल खान जी ये बहुत बड़ा आरोप है और ये बहुत बड़ा आरोप है आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मौजूद है अब अगर रिकॉर्डिंग भी मौजूद है अखिल जी मेरी बात सुनिए अगर रिकॉर्डिंग मौजूद है और आप वो रिकॉर्डिंग जनता के सामने नहीं रख रहे तो आप तो चीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ रखिए ना फिर पूरा डिस्कशन भाई लोग सर मैंने कुछ अखिल खान जी अखिल खान जी मैंने कुछ कहा अगर आपको अखिल खान जी आपके पास रिकॉर्डिंग हमारे पास है तो रिकॉर्डिंग सामने रखिए ना सर रिकॉर्डिंग सामने रखिए ना फिर आप कह रहे हैं उनके पास रिकॉर्डिंग है क्यों पूरा भाई रिकॉर्डिंग अपने पास रखकर क्या करेंगे भाई जनता को सुनाइए ना एक्सपोज करिए इन्हें 20-20 करोड़ सर एक्सपोज करिए इन्हें नहीं नहीं एक मिनट अकील खान साहब रिकॉर्डिंग आपके पास है तो सामने सुनाइए और एक्सपोज करिए ये बोलने से कुछ नहीं होता ये बोलने से कुछ नहीं होता जब आप बार बार कहते रहते हैं रिकॉर्डिंग पूरी चाहिए तो आप डिस्कशन कीजिए नेशनल चैनल पे आके डिस्कशन कीजिए सर कौन से आपको बता दो हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के ऊपर स्वतंत्र प्रेस में बोला है कि सब सुमन कुमार जी को लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट ने सुमन कुमार जी को संजय सराज जी को लीजिए
कल संजय कुमार जी और संजय सराफ जी, सीधी बात है, रिकॉर्डिंग है तो सुनाइए, वरना वो वाली कहानी हो जाती है, शेर आया फिर सब लोग कहते हैं कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये, वही वाली कहानी हो जाती है। अगर रिकॉर्डिंग है तो उससे बड़ा पुख्ता सबूत क्या होता है, रखते क्यों नहीं है सामने? बार बार संजय सराफ जी बोल रहे, संजय सराफ जी बोलिए। सुचेत्रा जी ये भारत रत्न मांग रहे हैं, भारत रत्न नहीं, इनको भ्रष्टाचारी रत्न मिलना चाहिए। पूरा भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं, भ्रष्टाचारी मॉडल है ये जो पूरे देश में घूम रहे हैं, मॉडल है, ये भ्रष्टाचारी मॉडल है। आप इनको बताइए स्कूल का 28 लाख में बनेगा, 28 लाख रुपए में एक एक कमरे का इन्होंने पैसा निकाला है, जो 2800 करोड़ बन रहा है, वो 2800 करोड़ का हिसाब दे दे, 144 करोड़ का शराब का जो ढाका इन्होंने डाला है, जो एक्साइज में इन्होंने पैसा वापस किया है, 144 करोड़ की बात बताऊं मैं आपको, अखिल जी यही काम कर रहा है, अपने जो तनख्वाह या सैलरी लेते हैं, सैलरी से फ्री बिकीज बांटे, सैलरी से फ्री क्यों नहीं बांट रहे, ये टैक्सपेयर का पैसा क्यों बांट रहे हैं? कुमार जी हर जगह बोल रहे हैं फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री जी, फ्री बिजली फ्री पानी का तो अब देखा जाएगा कि कब तक दिया जाता है, कोर्ट क्या कहता है, इस पूरे मामले में ये चलेगा कब तक चलेगा? नहीं, हम कह रहे सुचेत्रा जी, हम कह रहे हैं अपनी तनख्वाह से दे देना, अपनी तनख्वाह डिपॉजिट करें, एलजी देना, एलजी ने चेंज किया, आपको बताइए, कुमार जी के पास जा रही हूँ, एलजी ने चेंज किया है ये सर, आप क्यों देने पड़े आप? मैं सुमन कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, मुझे जरा बताइए, जब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मॉल मेरा नहीं है, ये कौन है, ये सीबीआई बताए आपके किसका मॉल है, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अब आप ये सवाल तब तक पूछते रहिए जब तक जवाब ना मिल जाए कि मॉल किसका है और फाइनेंसर कौन है। सुमन कुमार जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ, कि हमारे नेता स्वच्छ राजनीति के पक्षधर हैं, हमारा गठबंधन जो है वो ईमानदार विकास का पक्षधर है, हाँ। हमारे जो महागठबंधन के नेता हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो बेहद पारदर्शी राजनीति के पक्षधर हैं, और हमारे नेता जब कह रहे हैं कि यह मॉल किसका है, तो यह सीबीआई को या केंद्र की सरकार के सारे पर दो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको यह बताना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता का जो काम है उन्होंने हाउस में आके कह दिया कि मेरा नहीं है, अगर मेरा है तो सबूत दीजिए, क्योंकि हम कभी भी फंसाने के और बाकी मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, हम स्वच्छ राजनीति के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि दूध का दूध हर पानी का पानी हो जाए, क्योंकि हम समाज में किसी भी तेजस्वी खिलाफ के खिलाफ में पेपर है, राबड़ी देवी जी के खिलाफ में पेपर है, तेजस्वी जी ने तो प्रतिक्रिया दिया, देखिए आरोप लगाने से राजनीति नहीं होती है, राजनीति नहीं करनी है, समाज के सामने सच्चाई लाइए, और हमारे नेता ने कहा कि मेरा मॉल नहीं है, अगर मेरा मॉल है तो आप पेपर लाए, हमारे नेता पर आप झूठा आरोप लगा सकते हैं, केंद्र की जो सरकार है वो बदले की भावना से, दो दिन पहले का गठबंधन टूटा है, लोग सत्ता से अलग हुए हैं, तो यह बेबुनियाद आरोप मिथ्या आरोप है, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, हाउस में कहा है, किसी बंद कमरे में नहीं कहा है, हमारे नेता सब कुछ खुलकर कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, तभी वो कह रहे हैं कि जो नौकरी दी उसके बदले में जमीन ली, इसका सच भी तो बता दीजिए, एक सेकंड, ये जिस ईमानदार राजनीति की, भाई सुमन जी आप कह रहे हैं ईमानदार राजनेता हैं और ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो जमीन ली नौकरी देने के मामले में उसका भी तो पूरा ब्यौरा दीजिए, या नहीं है कुछ ऐसा? नहीं तो नहीं, ये आप केंद्र से के सरकार के इशारे पर जो एजेंसियां काम कर रही है और जिनका आरोप ये है कि हमने नौकरी के बदले में लिया, संजय सरा जी बोलने दीजिए, उन्हें आना चाहिए ना, सिर्फ आरोप लगा देने से, ठीक है, आरोप लगाने से, अब सुनिए, आरोप नहीं, आप सबूत भी दीजिए ना, हम कहते हैं कि कहीं कोई सबूत, तो सर आपने पूरे शो में खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, आपके पास कोई सबूत है? खरीद फरोख्त के आरोप आप भी लगा रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान भी लगा रहे हैं, उसके कोई सबूत है? हम नहीं करते हैं,
ये खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं, नहीं सर, खरीद फरोख्त आपने कह दिया, सरकारें बन गई, विधायक खरीद लिए गए, इसके कोई सबूत है कि नहीं है, या ये सिर्फ बोलने के लिए, बोलने भर के लिए? ये बात ठीक है, मैं एक बार अजीज खान जी बोलना चाह रहे हैं, जा रही हूँ आरपी सिंह जी के पास भी जाऊंगी, एक बड़ी खबर बता दूं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आ रही हूँ सर, एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे। बिना नाम लिए नीतीश कुमार ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है? अटल आडवाणी हमारी बात सुनते थे, ये लोग बस प्रचार के एक्सपर्ट है, कह रहे नीतीश कुमार आज काम नहीं, बस प्रचार किया जा रहा है, अनाप शनाप बोलने वालों को दिल्ली में मौका दिया जा रहा है। अटल जी की सरकार में काम होता था, अब सिर्फ प्रचार हो रहा है, ये नीतीश कुमार का बड़ा हमला आ जाया, अब सिर्फ प्रचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अब आरपी सिंह जी ये बड़ा आरोप नीतीश कुमार लगा रहे हैं कि जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उन्हें मौका मिल रहा है दिल्ली में, सिर्फ काम, काम कुछ नहीं हो रहा है। देखिए सुचारिता, सुचारिता हाँ। वो हमारे साथ साथी थे हमारे, और तब नहीं बोले वो 80 करोड़ लोगों को पूरे कोरोना काल में भोजन की चिंता की गई, तब नहीं बोले वो, गरीबों के सिर पे छत देने की चिंता की गई, तब नहीं बोले गए, जब उज्ज्वला स्कीम के अंदर लोगों को, बहनों को गैस के कनेक्शन दिए गए, तब नहीं बोले गए, जब 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया, आयुष्मान भारत दिया गया, तब नहीं बोले वो। ठीक है अजीज खान साहब, को एक अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री राशन सबसे पहले कोरोना काल में अरविंद और उसको अपोज किया था, अखिल खान जी अजीज खान जी अपोज किया था, फिर फॉलो कर रहे हैं, जल्दी से सत्ता में अलग हुए कि अजीज खान जी जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। देखिए बहुत लंबी बात नहीं करनी है, 10 सेकंड में ही बात होगी। हाँ। देखिए हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट था, प्रचार मंत्री जो नीतीश जी की बात अभी कह रहे हैं, जो नीतीश जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, जैसे वो प्रचार मंत्री था वहां प्रचार का एक विभाग था, आज भी प्रचार का विभाग है, पूरा इवेंट मैनेज किया जा रहा है साहब, काम कम किया जा रहा है, हल्ला ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। आज आप देखिए तमाम प्रचार प्रसार है, महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रचार प्रसार की जा रही है लेकिन सत्यता से दूर है। एक लास्ट बात, कोरोना की बात अभी आरपी सिंह साहब कह रहे, अरे कोरोना में भूल गए कि लाखों मजदूर पैदल चले छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के, तो सर मौत हो गई है, परेशान थे, उनको 2 वर्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं होती है अजीज खान साहब, तो अगर कार्रवाई हो रही है आप भी तो खुलकर ईडी और सीबीआई को कोसते हैं, आरोप लगाते हैं, उन्हें भी अपनी कार्रवाई करने दीजिए, जब कुछ नहीं निकलेगा तो और आरोपों की झड़ी लगा लीजिएगा। मेरे पास महाभारत में आज इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां आरजेडी एमएलसी के घर पर छापा मारा गया है। ये हैं सुनील सिंह, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको उस इमारत के अंदर नजर आ रहे हैं, अपने बालकनी में वो सामने आए हैं, और क्योंकि उनके समर्थक बाहर आप देख रहे हैं किस तरह